नमस्कार, मुंबई से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। वसई में आज सोमवार को सुबह एक 7 मंजिला इमारत की छत से कथित तौर पर एक 20 साल का छात्र कूद गया। गंभीर रूप से घायल हुए छात्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि मृतक आईटी का छात्र था। अपनी कोचिंग कक्षाओं में जाने के लिए लगभग 7:30 बजे बसंत नगरी वसई ईस्ट में सूरजमुखी भवन में अपने ग्राउंड फ्लोर स्थित घर से निकला था, लेकिन कोचिंग क्लास में जाने की बजाय वह अपनी इमारत की छत पर चला गया और वहां से उसने छलांग लगा दी। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गिरने की तेज आवाज सुनकर छात्र के माता पिता और अन्य लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। वहीं बेटे की मौत से गमगीन माता पिता ने रोते बिलखते पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने नाश्ता किया, अपना बैग लिया और अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकल गया था। वहीं पुलिस ने मृतक छात्र के बैग की भी जांच की और सुराग के लिए उसके सेल फोन की जांच भी की जा रही है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि उसने अपने पीछे सुसाइड नोट छोड़ा है या नहीं। पुलिस ने कहा कि वे उसके दोस्तों से उसकी कोचिंग क्लास और कॉलेज में पूछताछ करेंगे। दोस्तों, जीवन में कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाए, लेकिन सुसाइड करना एक सही रास्ता नहीं होता है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।